कल अपन देख रहे थे समापन का पहला तरीका कंपल्सरी वाइंडिंग ऑफ द कंपनी या वाइंडिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ द नेशनल ट्रिब्यूनल्स, जिसमें अनिवार्य समापन की बात कही गई थी। आज अपन दूसरे तरीके पे बात करेंगे, स्वैच्छिक समापन, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। एक्चुअली कंपनी अधिनियम 1956 में स्वैच्छिक समापन को दो भागों के अंदर विभाजित कर रखा था, एक सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन वॉलेंटियरली वाइंडिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स, और दूसरा था लेनदारों के द्वारा स्वैच्छिक समापन वॉलेंटियरली वाइंडिंग अप ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिटर्स। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर इस विभाजन को समाप्त कर दिया है। अब स्वैच्छिक समापन जो है वो केवल सदस्यों के द्वारा ही होगा, लेकिन उसमें विशेष बात ये होगी कि जब तक दो तिहाई मूल्य वाले लेनदार जब तक उस बात पर सहमत नहीं होंगे, जब तक सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक समापन के लिए दो तिहाई मूल्य वाले लेनदार जब तक सहमत नहीं होंगे, तब तक वो स्वैच्छिक समापन नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में अगर ये दो तिहाई मूल्य वाले लेनदार अगर चाहे तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को समापन के लिए निवेदन कर सकते हैं, तब जो समापन होगा वो न्यायालय द्वारा ही समापन माना जाएगा। तो स्वैच्छिक समापन के क्या क्या प्रावधान हैं, क्योंकि ये सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक समापन हो रहा है, तो जब तक कोई विपरीत बात नहीं हो, जब तक दो तिहाई मूल्य वाले लेनदार कोई बाधा खड़ी नहीं करे, तब तक सदस्यों की ही सुप्रीमेसी रहेगी। और ये कॉमन सेंस की बात है कि सदस्यों की सुप्रीमेसी तब रहेगी जब वो शोधन क्षमता की घोषणा करने की स्थिति में हो, डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ द सॉल्वेंसी इस बात की घोषणा है कि कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्जा, कोई लेनदारियां, कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, और यदि किसी तरह की अगर कोई राशि बकाया है, कोई ऋण बकाया है, या किसी तरह की कोई धनराशि चुकाने के लिए कंपनी का कोई दायित्व है, तो ये संचालक मंडल बहुमत के आधार पर या सर्वसहमति से घोषणा करेंगे कि हम इस तरह की अगर कोई स्थिति बनती है तो हमारे पास में इतना साधन है, इतनी स्थिति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि हम उसको जो है भुगतान करने की स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक समापन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली जो बात है वो है संचालक मंडल द्वारा या बहुमत के आधार पर शोधन क्षमता की घोषणा करना। ये जो शोधन क्षमता की घोषणा है ये वाइंडिंग अप का निर्णय लेने के कम 5 सप्ताह के भीतर की होनी चाहिए, और उस घोषणा में अगर ये बाद में लेटर ऑन जाकर के साबित हो जाता है कि इन्होंने जो घोषणा करी है उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, उचित आधार नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर सजा का जो प्रावधान है वो तो प्रत्यक्ष है, लेकिन वो जो फिर समापन होगा वो सोते ही सदस्यों द्वारा नहीं होकर के और वो फिर न्यायालय के द्वारा समापन के अंदर रूपांतरित हो जाएगा, क्योंकि जो लेनदार है वो इस विषय पर आपत्ति करके और ट्रिब्यूनल को समापन के लिए पेटिशन दायर कर सकते हैं। जैसे ही शोधन क्षमता की घोषणा होगी तब दूसरा प्रस्ताव आएगा, साधारण सभा में प्रस्ताव पारित करना, सेक्शन 304। साधारण सभा में प्रस्ताव जो है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है और स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी साधारण प्रस्ताव भी हो सकता है और विशेष प्रस्ताव भी हो सकता है। साधारण प्रस्ताव केवल दो ही दशाओं में होगा, यदि निश्चित अवधि वाली जो है कंपनी है उसकी अवधि समाप्त हो गई, या कोई विशेष घटना पर आधारित कोई कंपनी है वो घटना घटित हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर साधारण प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अन्य सभी दशाओं के अंदर जो है
वो विशेष प्रस्ताव 3/4 मेजोरिटी के आधार पर वाइंडिंग अप का निर्णय लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, जब ये शोधन क्षमता की घोषणा हो गई, साधारण सभा के अंदर आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव पारित हो गया, तो लेनदारों की सभा में संकल्प पारित करना सेक्शन 304, इसमें 2/3 मूल्य वाले लेनदार जो है वो इस बात पर निर्णय लेंगे कि जो सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक समापन जो किया जा रहा है उस पर वो सहमत है अथवा नहीं है। तो ये तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। और चौथा है घोषणा एवं संकल्पों की रजिस्ट्रार को सुपुर्दगी, यानी अगले 5 सप्ताह के अंदर जो डिक्लेरेशन सदस्यों ने दी है घोषणा करी है शोधन क्षमता की, और जो लेनदारों ने संकल्प पारित किया है, इसकी सूचना जो है वो रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी पड़ेगी। सदस्यों तथा लेनदारों के द्वारा संकल्प पारित करने के 14 दिनों के भीतर राजकीय गजट में इस आशय की सूचना देनी होगी और साथ ही 2 समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाना होगा। ये सेक्शन 307 का प्रावधान है। और साथ ही धारा 310 सबसेक्शन 1 के तहत जो है वो समापक की नियुक्ति भी जो है वो सदस्यों के द्वारा की जाएगी। जो कंपनी अपनी साधारण सभा में केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई सूची में से किसी भी व्यक्ति या फर्म को कंपनी समापक के रूप में नियुक्त करेगी, कंपनी उस समापक को जो भी फीस देगी या जो भी सेवा शर्तें होगी उसका निर्धारण भी साधारण सभा में कर लिया जाएगा। क्योंकि ये एक्चुअल में सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक समापन हो रहा है, तो कंपनी की साधारण सभा में ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन और किस व्यक्ति को जो है समापक या निस्तारक के रूप में नियुक्त करना है वो कंपनी सुनिश्चित करेगी ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्डिनरी मीटिंग। इसी तरीके से अगर मान लीजिए सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक समापन हो रहा है और कंपनी ये महसूस करे, सदस्य ये महसूस करें कि भाई उसमें लिक्विडेटरी कमेटी या एडवाइसरी कमेटी की नियुक्ति की जानी है, तो ये निर्णय भी धारा 315 के तहत साधारण सभा के अंदर लिया जाएगा या निस्तारक को जो है वो अधिकृत कर दिया जाएगा कि भाई वो जो है अपने हिसाब से इन समितियों का आवश्यकता अनुसार गठन कर ले। यदि समापन की प्रक्रिया अगर लंबी चलती है तो हर 3 महीने के अंदर सदस्यों और लेनदारों की मीटिंग और उनकी मिनट्स ये सुनिश्चित की जाएगी और ये सारा कार्य जो है वो निस्तारक को सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरीके से कंपनी की अंतिम सभा बुलाना जिसमें अंतिम रिपोर्ट जो है वो निस्तारक के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, और ये जो अंतिम सभा होगी सेक्शन 378 के तहत उसके अंदर सारा सिस्टम जो है किस तरीके से संपत्ति को रिलाइज किया है, किस तरीके से लेनदारों को भुगतान किया है और किस तरीके से सरप्लस ही पेनी यदि है तो उनके योगदान के हिसाब से सदस्यों अंशधारियों को विभाजित किया है, ये पूरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो अंतिम सभा के अंदर जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। और फिर ये जो ये अंतिम जो सभा जो होगी उसकी जो मिनट्स और सारी कार्य प्रणाली अफेयर्स जो है वो नेशनल ट्रिब्यूनल्स को जो है वो सुपुर्द किया जाएगा और अंतिम फैसला जो है वो अपने ट्रिब्यूनल के द्वारा लिया जाएगा। धारा 365 कंपनी का विघटन विद इन 60 डेज ऑफ द फाइनल रिपोर्ट के अंदर उनको निर्णय करना है, और इसी के साथ में ये कंपनी का स्वैच्छिक समापन हो जाएगा। और जैसे ही वो विघटन का आदेश जारी होगा उसकी 1 प्रति जो है वो अगले 30 दिनों में रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होगी ताकि रजिस्ट्रार नियमानुसार जो है विधिक कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके और सदस्यों के कंपनी के रजिस्टर के अंदर उस नाम को डिलीट किया जा सके। तो कुल मिला करके सदस्यों के द्वारा स्वैच्छिक समापन के अंदर
अधिकांश निर्णय जो है वो सदस्यों के द्वारा ही लिया जाएगा, बशर्ते कि दो तिहाई मूल्य वाले लेनदारों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति न हो। और अंतिम जो निर्णय जो होगा वो ट्रिब्यूनल के माध्यम से ही दिया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट काइंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वाइंडिंग अप एंड द डिसोल्यूशन। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि समापन एक प्रक्रिया है, विघटन उस प्रक्रिया का अंत है। तो मैं वन बाय वन थोड़ा सा और ब्रीफिंग कर देता हूँ। मैंने आपको बता दिया अर्थ, समापन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कंपनी के अस्तित्व को समाप्त किया जाता है। विघटन उस प्रक्रिया का अंत है जिसमें कंपनी का जीवन समाप्त हो जाता है। जब तक वाइंडिंग अप है, जब तक समापन की प्रक्रिया है, तब तक कंपनी अस्तित्व के अंदर रहेगी, लेकिन जैसे ही विघटन होगा कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। व्यवसाय का संचालन, मैंने आपको बताया, यदि ये कंपनी के हित में है, निस्तारक इसको उचित समझता है, तो कंपनी का कारोबार तब तक चालू रहेगा जब तक कि वाइंडिंग अप की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही डिसोल्यूशन का आदेश जारी होगा, किसी तरह का कोई संचालन नहीं, उसी समय कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। निर्णय, समापन का निर्णय अधिकरण या कंपनी के सदस्यों एवं लेनदारों द्वारा लिया जाता है, जबकि विघटन का जो निर्णय है वो केवल अधिकरण ही ले सकता है। मैंने आपको बताया, चाहे स्वैच्छिक समापन है तब भी विघटन का जो आदेश है वो नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा जारी किया जाएगा। इसी तरह से समापक या निस्तारक की नियुक्ति, मैंने आपको बताया कि समापक के आदेश के साथ ही समापक या निस्तारक की नियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन विघटन के आदेश के साथ ही कंपनी के निस्तारक का पद अपना आप ही समाप्त हो जाता है। इसी तरह से ऋणों का प्रमाणन, जब तक कंपनी जिंदी है तब तक कोई भी व्यक्ति अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन विघटन के पश्चात इस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी। कंपनी पर वाद, जब तक कंपनी जिंदा है, समापन की प्रक्रिया के अंदर कोई भी तृतीय पक्षकार या जिनका हित प्रभावित हो रहा है वो वाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन विघटन के पश्चात कोई किसी तरह से वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। प्रारंभ एवं, मैंने आपको बताया, समापन के द्वारा प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और विघटन के साथ में ही ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।